इन सब बातों में कुछ नहीं लगा। सोनिया जी ये चुनाव जीती हाँ तो वही पीएम बनेंगी। इसमें डिबेट का कोई स्कोप ही नहीं रहा, बात बड़ी सिंपल है और सबके सामने। ये चुनाव हमने मैडम की लीडरशिप में जीता और यही पीएम बने। जहां पैदा होने के लिए संत महंत गुरु ऋषि महर्षि तरसते हैं, उस भारत भूमि को 16 बरस तक अपनाने से इनकार किया था सोनिया गांधी ने। जो मेरी दादी मेरे पापा के साथ हुए वो मेरी मम्मी के साथ नहीं होगा, इसकी गारंटी आप नहीं है। ये हमारा फैमिली मैटर है। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि पार्टी का एक एक वर्कर, हर कार्यकर्ता सोनिया जी को ही पीएम देखना चाहता है। ये फैमिली से ज्यादा पार्टी मैटर है। और कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन के कारण किस व्यक्ति को इस देश की नागरिकता लेनी पड़ी हो, संवैधानिक बाध्यता के कारण, निष्ठा के कारण नहीं। इन लोगों को इस देश का कोई भी नेता, इस देश में पैदा हुआ कोई व्यक्ति नेतृत्व देने के लिए नहीं मिल सकता है। विदेशी पंतप्रधान हमें नहीं चाहिए, ना होना दूंगा मैं। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट प्लीज डोंट टीच मी पॉलिटिक्स। आई 24 पूरे दमेंस दोपो दियो ची उफार देवो की भी उफार है। साथियों, पिछले 6 वर्षों में मेरे मन में एक बात हमेशा साफ रही है और मैं कई दफे कह भी चुकी हूं कि मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद नहीं है। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना कर दूं। सोनिया जी ने जो फैसला लिया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए सोनिया जी मेरी माँ है और उन्होंने बहुत सोच समझ के अपनी अंतरात्मा को टटोल के ये निर्णय लिया है, तो जब अंदर से यह आवाज आ रही है यही निर्णय से। उनका फैसला है, उनके दिल का फैसला है, क्या कह सकते हैं। ये निर्णय लेना कोई आसान चीज नहीं है। सोनिया जी मेरी माँ है, बहुत गर्व है। दुष्ट कर सकते हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं चाहती हूँ आप सब मेरे निर्णय में मेरा साथ दें और ये निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था। कई लोगों के बारे में सोचा, पार्टी के फ्यूचर के बारे में, देश के बारे में, और हर पहलू पे गौर करने के बाद मेरा विश्वास है इस दुनिया की कोई भी ताकत उस विचार उस सोच को नहीं रोक सकती है जिसका समय आ गया है। भारत का समय आ गया है। मैं आज इस सदन से कहना चाहूंगा कि हमारा देश एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उदय होगा और विश्व की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती है। मनमोहन सिंह, ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा जो विषय प्रधानमंत्री के रूप में मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति को मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं करूंगा। चाय बहुत मीठी होती है, इसे पी पी के कई लोगों के दांत खट्टे किए हैं। 100 करोड़ की आबादी वाले देश को ये गिने चुने लोग चलाते, ये देश की कहानी लिखते हैं और मैं उनकी कहानी लिखता हूं। पेशा है मेरा, हाय, मैं संजय बारू, एडिटर फाइनेंशियल एक्सप्रेस। मुबारक हो मिनिस्ट्री, खबर पक्की है? प्रधानमंत्री जी ने खुद मुझे बता दिया, अब आग बन करके हेडलाइन छाप दो। एक्सक्यूज मी, सरकार में वापसी मुबारक हो अन्ना। शुक्रिया बाबू, शुक्रिया। क्या नया ताजा? आप बताइए, कौन सी मिनिस्ट्री मिल रही? फाइनेंस, और क्या? अच्छा, मैंने तो सुना है पीएम खुद फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। बाबू, अगर पीएम फाइनेंस संभालेंगे तो मैं क्या करूं? सच हो गया, पार्टी ने डॉक्टर को बुला दिया। बहुत सालों बाद एक ऐसे पीएम आए हैं जिनकी रिश्तेदार रियल एस्टेट में ना हो। लेकिन पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स नहीं होती, पॉलिटिक्स खेल पाएंगे? नरसिम्हा राव ने पूरे 5 साल तक माइनॉरिटी में सरकार चलाई थी। डॉक्टर साहब ने अपने गुरु से कुछ तो सीखा होगा। सर सर सर, मिस्टर बारू, आपको हेडलाइन चेंज करनी पड़ेगी। चिदंबरम होंगे न्यू फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन आपको तो डॉक्टर साहब ने ही बताया था ना? एक्साइटमेंट में हाई कमांड से पूछे बना शायद मुझे बता दिया होगा। Thank you.
मेरा नाम नाम मनमोहन सिंह। बच्चे ने जन्म तरीक जन्म तरीक पर की लैना जी। हमने जरा प्रधानमंत्री बन जाना वो मेरा मतलब कुछ भी लिख लो जी। जनता ने मैडम को चुना है, मैडम ने पीएम को चुना, ये सच्चाई है और ये सच्चाई हर लेवल पर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। पटेल साहब, ये सब कहना बीच से बैठाना। मिस्टर इज राइट पटेल साहब, पीएमओ का पूरा कंट्रोल है पॉलिसी पे, ये सब आसान नहीं होगा। पॉलिसी हम तय करेंगे ना, एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी, मैडम उसे चेयर करेंगी, जो गरीबों के विकास के लिए काम करेगी। यस, इसे लेफ्ट भी खुश रहे। हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कोई वफादार ब्यूरोक्रेट बिठाना पड़ेगा, कोई है नजर में? फुल ऑप्शन और कौन प्राइज अच्छी सर, ये है सर आपके अप्रूव्ड लोगों की लिस्ट। सर लिस्ट काफी छोटी हो गई। पुलोक चैटर्जी, गांधी फैमिली के खास, आज पीएम सर को उनके मांगे हुए लोगों की लिस्ट सोनिया जी से अप्रूव करके लाए हैं। आपको क्या करना होगा पुलोक? सर मेरा काम होगा पीएमओ और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में सर तालमेल रखना। सर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आपका ब्रीफ क्या होगा? सर मेरा ब्रीफ है मैडम को ब्रीफ करना। सर अगर उनको आपके निर्णय के बारे में पता होगा तो उनका काम आसान हो जाएगा। सर तो प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है ये एनएससी तय करेगी? नो 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 सर, नो नो सर, वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा ना। सर एनएससी सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट पे सुझाव देगा सर, दैट्स इट। ताकि मैं डिसाइड कर सकूं कि मुझे नेशनल इंटरेस्ट में काम करना चाहिए या नहीं। थैंक यू। थैंक यू सर। आखिरकार पीएम को अपने याद आ ही गए और मुझे कॉल आ गया। उन दिनों वो यूजीसी चेयरमैन थे, पहली मीटिंग में उनका डिटेल इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू छपते डॉक्टर साहब के ऑफिस से फोन आया। अक्सर लोग मुझे इंटरव्यू के बाद तारीफ के लिए बुलाते हैं। आई एम अ परफेक्शनिस्ट। प्लीज सिट। सो दैट्स अ रियली नाइस टाई यू वेयरिंग। आपका जो टेप रिकॉर्डर खराब हो गया था जी सर, वो ठीक हो गया? नहीं सर, नया लिया। प्लीज गिव इट टू मिस्टर कडू। आपने जो मेरा इंटरव्यू किया है वो पढ़ा है? आप तो जर्नलिस्ट, आपको देश की हालत का पता है, भारी समस्या है, इसीलिए मैंने जानबूझकर साउथ कोरिया का नाम दिया। उनके जैसे रिफॉर्म्स होने चाहिए हमारे यहां। आपका काम था ये बात देश तक पहुंचाना, आपसे वो भी नहीं हो पाया। सर मैंने आपका पूरा इंटरव्यू लिखा था, न्यूज डेस्क पे शायद कुछ गलती हो गई होगी, मैं चेक करवाता हूँ। चेक करेंगे और क्या,
किसी और को ब्लेम करेंगे? मिस्टर बारू, आपके सबॉर्डिनेट की गलती आपकी गलती है। संजय, आप मेरे प्रेस सेक्रेटरी बनोगे? बिल्कुल बनूंगा सर, मगर मेरी दो शर्तें हैं। सर, मैं आपका मीडिया एडवाइजर बनना चाहता हूं। ये इंटरनेट के जमाने में प्रेस सेक्रेटरी आउटडेटेड लगता है। आई एम ओके अबाउट दैट। और दूसरी शर्त? सर, मैं सिर्फ आपको ही रिपोर्ट करूंगा। अरे मैम, आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? अरे आप प्रोटोकॉलों की बातें मत करो। 20 साल से अपने घर में मैं ही चाय पिलाती हूँ, अब अपनों से क्या प्रोटोकॉल। सर, मीडिया को मैनेज करने के अलावा आप क्या उम्मीद रखते हैं मुझसे? पीएम की कुर्सी जमीन से दूर कर देती है, सिर्फ फाइल्स, मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स नजर आते हैं। मुझे हर खबर चाहिए, मैं तुमसे सच सुनना चाहता हूं, बिना किसी डर के, बिना किसी उम्मीद के। पॉलिटिक्स भी महाभारत की तरह है। संजय, तुम्हें मेरा संजय बनना होगा। तुम इनकी आंख और कान तो बन जाओगे, लेकिन आवाज का क्या करोगे? You may not understand this turf, but bureaucracy is a turf war. सबकी नजर सब पर है। आपने जरा सी भी जगह दी तो कोई तीसरा उस जगह को घेर लेगा। और आपको इन्हीं की यही बात इनको बार बार बतानी पड़ेगी। सर की भविष्यवाणी जल्दी सच हो गई, शुरुआत मनी ने की। ये मनी सर ने भेजी है। किसी भी पीएमओ में पहुंच बहुत जरूरी होती है भाई, और डॉक्टर साहब तक मेरी पहुंच 3 लोगों के आड़े आती थी। मनी, असली नाम J.N. दीक्षित, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फॉरेन पॉलिसी के पंडित और मेरे अच्छे दोस्त, एक्सपर्ट थे तो सबका काम उनसे बेहतर ही जानते थे, और इसीलिए टर्फ वॉर में मुझे हराना मुश्किल। माइक, असली नाम M.K. नारायण, पेशे से ऑफिस मुझे ही मिलेगा, और फाइनली सुबह PM की पर्सनल सेक्रेटरी। सुबह का एक ही पैशन था, ज्योतिष शास्त्र। मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब को एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल इंटरेस्ट है। सर, एक सेकंड देखिए। कुछ ब्रीफिंग्स में NSA का अप्रूवल लेना होगा, इसमें गलत बात क्या है? सर, जैसे मनी आपके एडवाइजर है वैसे मैं भी हूं, और सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं सिर्फ आपको रिपोर्ट। शांत हो जाओ, बैठो। सर, आपकी पूरी टीम में सिर्फ मैं ही हूं जो ब्यूरोक्रेट नहीं है। ये 24 आवर न्यूज मीडिया नोट्स, फाइल्स, अप्रूवल्स का वेट नहीं करती है। अगर किसी झूठ का जवाब 24 घंटे के अंदर नहीं दिया जाए तो वो झूठ सच कहलाता है। सर ठीक है, मैं मनी से बात करता हूँ। बारू, रूटीन सर्कुलर पे इतना गुस्सा, और वो भी दोस्तों के साथ? अब असली कॉफी पिलाता हूं। गेस करो, सुबह सुबह मेरी किससे बात हो रही थी? किससे? नटवर सिंह। ओ, क्या कह रहे थे? परेशान थे बेचारे, कह रहे थे कि अभी भी उनकी फाइल्स आप क्लियर कर रहे हैं। एक बात बताऊं बारू, अमेरिका का फॉरेन सेक्रेटरी भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से डरता है।
उन्हें पीएम साहब को सब बताने दीजिए, मैं संभाल लूंगा। यानी मैं, तुम चिंता छोड़ो, तो सिगार पियो। पीएम स्मोकिंग मना है हमारे लिए रूल्स? अरे हम ही तो पीएमओ हैं। हम ही तो पीएमओ हैं। आज 10वें दिन प्रधानमंत्री को संसद में फिर से बोलने नहीं दिया गया है। मैं इसके बाद आपको मौका दूंगी। विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री का भाषण बिना पढ़े ही टेबल कर दिया जाएगा। शायद ये इतिहास में पहली बार होगा। इधर लेफ्ट भी प्रधानमंत्री से खासे नाराज हैं। ये सरकार प्लानिंग कमीशन में प्राइवेट कंपनियों के लोगों को बिठा रही है, मल्टीनेशनल कंपनियों के लोगों को। समर्थन देने का मतलब हम अंधे हो जाए क्या? कल को आप कोका कोला को बिठाएंगे प्लानिंग कमीशन में, हम देखते रहेंगे। संसद में पीएम की कमजोरी का सब फायदा उठा रहे थे। मेरी एक बुरी आदत और थी, पीएम सर के खिलाफ कौन सा मिनिस्टर किसके कहने पे अखबार में खबर लीक करता है, मैं एक घंटे में पता लगा लेता था। सोनिया जी ने मुझे चिट्ठी लिखी, ये मीडिया में कैसे आ गई? ये आपके जैसे इंटेलिजेंट मिनिस्टर को सूट करता है? Someone is misleading you, sir. I haven't done anything wrong. मेरे इंटेलिजेंस को इंसल्ट मत करिए। This should not be repeated again. Am I clear? Am I clear? Yes, clear, yes, sir. सर जयराम काफी अपसेट लग रहे थे। एक चेज के बाद डांट खाने की कैपेसिटी कम हो जाती है। He will behave in the future. नहीं सर, फ्रैंकली ये सब रुकेगा नहीं। कल कुछ और लीक हो जाएगा। ये लोग जरूरत से ज्यादा वफादार हैं। जजमेंट पास मत कीजिए। तो अब क्या करना चाहिए? सर इन लोगों ने सोनिया जी की चिट्ठी लीक की, अब आपका सोनिया जी को रिप्लाई मैं लीक करूंगा। बहुत बोल्ड स्टेप हो जाएगा। मैं ले रहा हूं सर, सबको मैसेज चला गया है। पीएमओ मींस बिजनेस। ना 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 सर, द डॉक्टर सिंह मींस बिजनेस। प्यारे देशवासियों, मैं आज आपके सामने विनम्रता से आपके द्वारा दी गई जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए बात कर रहा हूं। आपसे बात करते हुए आज मुझे गांधी जी की बात याद आ गई। वो कहते थे कि वो हर आंख से आंसू पोंछना चाहते हैं। वो कहते थे कि किसी भी काम से पहले ये सोचना जरूरी है कि करीब से गरीब इंसान के जीवन में आपका क्या योगदान है। ठीक था? इसका मैं क्या जवाब दूं? नहीं सर, सर आप ऐसे बोलेंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। प्राइम मिनिस्टर की बात पे एक विश्वास होना चाहिए सर। आप वैसे ही बोलिए ना जैसे मैंने आपसे कहा था, अभी जहां पे कॉमा है वहां पे पॉज लीजिए, जहां पे शब्द बोल्ड लिखा है उन पे स्ट्रेस दीजिए। एक और ट्राई करें सर। ठीक है।
संजय, ये कितना ठीक करना होगा? About 99%. ओके. मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज आपसे विनम्रता से आपके द्वारा दी गई हेलो सर, बहुत गड़बड़ हो गया सर, आपको मीटिंग मैनेज करना पड़ेगा सर. आप मुझे बताओगे क्या हुआ सर? डेलीगेशन फाइनेंस बिल में चेंजेस सजेस्ट करने आया था. मनमोहन सिंह जी, हम फाइनेंस बिल में कुछ बदलाव चाहते हैं. पीएम साहब अपने सीट पर नहीं थे सर, वो खड़े थे, इसलिए डेलीगेशन को भी खड़ा रहना पड़ा सर. सर उन्होंने फाइल पीएम को खड़े खड़े दिया सर, जल्दी में टेबल नीचे था इसलिए ही ड्रॉप द फाइल. चाय का समय नहीं था शायद, सब खड़े थे. एंड नाउ मीडिया इज पुटिंग एलिगेशंस अगेंस्ट हिम दैट ही थ्रू द फाइल. उन्होंने फाइल रखी या फेंकी सर? उन्होंने फाइल रखी थी. और फेंकी हो तो? ये पीछे हटने का वक्त नहीं है सुबू, जैसा हुआ वैसा ही बताएंगे. पीएम ना तो रबर स्टैंप है ना पेपर टाइगर. आई एम ऑन माय वे. देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और यदि आप अपने विपक्ष के नेताओं को इस तरह से ट्रीट करेंगे तो संसद की मर्यादा को ठेस पहुंचेगी. डॉक्टर साहब के बदलते तेवर सब देख रहे थे, अपोजिशन वाले, कांग्रेस वाले. नवीन सर, कहिए सर, उड़ीसा को भी बिहार की तरह स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए. पैसे पेड़ पे नहीं उगते नवीन जी. आइए नया सर, टी कॉफी फॉर यू नवीन. थैंक यू सर. आपसे बात करते समय मुझे गांधी जी की याद आती. बापू कहते थे कि मैं हर आंख से हर आंसू पोंछना चाहता हूँ. टीवी स्पीच बहुत ही बढ़िया आइडिया था, क्या फैबुलस इंपैक्ट पड़ा, मजा आ गया. आखिर स्पीच लिखा किसने? आप भरू. वेल डन. अरे तारीफ हुई है, और क्या छाट रहे हो मैगजीन में? सोनिया जी के हिसाब से डॉक्टर सिंह एक पॉलिटिकल पीएम होने चाहिए. कैन यू बिलीव इट? हो रही है ना ब्रांडिंग? नो माइक, उसके लिए ये बात देश को सोनिया जी से नहीं डॉक्टर सिंह से सुननी चाहिए. गवर्नमेंट के 100 दिन पूरे होने वाले हैं ना, हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए. पर अगर एक भी गलती हुई ना, मीडिया माफ नहीं करेगा. आई नो पीएम सर इतना सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत शाय, हैंडल नहीं कर पाएंगे, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी. कुछ बेकार में नहीं जाएगा, यही तो मौका है भाई. जिसको जो पूछना है पीएम सर से पूछ ले, वो किसी सवाल से डरते नहीं. सर अगर पाकिस्तान पे कोई सवाल आए तो मुशर्रफ के बारे में आप ज्यादा बताए. मम्मी, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं. आप
मुझे सिर्फ फैक्ट्स बताइए, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल रहा हूँ, आप भी फ्रेश हो गए। शेर भी कभी दांत साफ करता है क्या? माना जाता है कि सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर है, आपका क्या कहना है? सोनिया जी कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट भी है और यूपीए की चेयरपर्सन भी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि दो पावर सेंटर्स हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ऐसा माना जाता है कि अगर आपको कुछ ऐसा करने को कहा जाए जो आपको ठीक नहीं लगता तो आप इस्तीफा दे देंगे। वेल मैडम, ये सोचना गलत है। मुझे इस्तीफा देने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। सर अमेरिका हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के अगेंस्ट है, आप बुश से मिलने वाले थे, क्या कहेंगे आप उन्हें? मैं कहूंगा मिस्टर बुश, न्यूक्लियर पावर से बम भी बनते हैं और बिजली भी। अरे कॉस्मेटिक से ये सब, पब्लिक रिलेशंस अगर पावर आती तो आप भी पॉलिटिशियन बन गए होते। नहीं डॉक्टर साहब, को इतना अंडरएस्टिमेट मत कीजिए पटेल साहब। अंडरएस्टिमेट डॉक्टर साहब की एक ही लेगेसी है, वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म, वो रहेगी। उससे ज्यादा ना तो उनको कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए ना ही कुछ होने वाला है। आपको क्या लगता है, लेफ्ट मान जाएगी डॉक्टर साहब की बात? कलयुग है, कुछ भी हो सकता है डॉक्टर साहब। पॉलिटिक्स चुनाव जीतने वालों का खेल है, जो लड़ेंगे नहीं होके जीतेंगे। इतना सीरियस क्यों मनी? ये नटवर सिंह पीएम सर के साथ अंदर क्यों जाना चाह रहे हैं? पीएम सर को बुश के साथ अकेले मिलना चाहिए ताकि नया एजेंडा अच्छे से सेट हो सके। एक आइडिया है। अमेरिका हमें एक न्यूक्लियर स्टेट का दर्जा दे दे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए हमारा रास्ता साफ हो जाएगा सर। न्यूक्लियर आइसोलेशन खत्म करना बहुत जरूरी है मनी। संजय हमें माफ कीजिएगा सर, बुरी खबर लाया हूं। कुछ देर पहले एक्स प्राइम मिनिस्टर राव का निधन हो गया।
लिखा मैं आपसे, थोड़ा नाजुक मामला बताइए। आपके फादर राव साहब की स्पीचेस लिखते हैं, आप करीब है फैमिली को, थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए कि क्रिएटर हम हैदराबाद में कर लें। दिल्ली में कुछ तकलीफ है? हैदराबाद उनकी जन्मभूमि है, दिल्ली कर्मभूमि नहीं है। आप इस समय मत पड़िए, थोड़ा समझाइए फैमिली। फॉर्मर पीएम के साथ ऐसा ट्रीटमेंट, जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में बिता दी। एंड एज पर माय नॉलेज उनकी तो कोई फैमिली हैदराबाद में है ही नहीं। मैं सोनिया जी से बात करूंगा। सर अहमद पटेल सोनिया जी की आवाज ही तो है। राजघाट पे शायद जमीन कम पड़ गई होगी उनकी समाधि के लिए। राव साहब जैसे लीडर की लेगेसी भी पार्टी डिसाइड करेगी। राजनीति का स्तर गिरते हुए तो मैंने कई बार देखा है, पर इतना कभी नहीं। डॉक्टर साहब को एक झटका और लगा जब दिल का दौरा पड़ने से मणि की मौत हुई। अब माइक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन गए। दोनों झटकों के बावजूद डॉक्टर साहब अपने टारगेट की तरफ बढ़ गए। न्यूक्लियर डील, बुश और डॉक्टर साहब की दोस्ती जय और वीरो जैसे निकलेगी, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। पीएम सर के आने के बाद न्यूक्लियर डील पे हंगामा हो गया। डॉक्टर साहब पे तीन तरह से अटैक हो रहे थे, विपक्ष, लेफ्ट और उनकी अपनी पार्टी। डॉक्टर साहब जिस डील के पीछे आप भाग रहे हैं वो वैसे किसी की समझ नहीं आ रही, लेकिन इससे हमारी सरकार जरूर गिर जाएगी। देश के गरीब जनता को न्यूक्लियर डील से क्या लेना देना? यही इसके समय है। देश के विकास के लिए हमको न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए। दूर की सोची? दूर की तो तब सोचेंगे ना डॉक्टर साहब जब हमारी सरकार रहेगी। इधर आपने डील साइन की, उधर लेफ्ट ने अपना सपोर्ट वापस लिया, खत्म हमारी सरकार। ऐसा नहीं होगा। प्रेसिडेंट बुश ने मुझे कहा है कि वो हर तरह से हमारी सपोर्ट करेंगे। क्या डॉक्टर साहब आप भी एक पॉलिटिशियन की बातों में आ गए। चलिए फिर कभी बात करते हैं। प्रेसिडेंट बुश दिल्ली पधारे और दोनों नेताओं ने हाथ मिला के पूरी दुनिया को अपनी दोस्ती और न्यूक्लियर डील का ऐलान किया। And with that I conclude my remarks. Thank you. मेरा बहुत ही सिंपल सवाल है, इस डील से हमारा न्यूक्लियर वेपन्स पर क्या असर होगा? सर हमारे न्यूक्लियर वेपन्स पे कोई असर नहीं होगा, ये बात हमने शुरू से ही साफ कर दी है। हम जो चाहे बना सकते हैं इस डील से। वाजपेयी जी आप कुछ कहना चाहेंगे?
चुप रहकर बोलने में वाजपेयी जी तो उस्ताद थे, उस्ताद। एक मुस्कुराहट ने बहुत कुछ कह दिया। बीजेपी अब हमारे साथ थी। ऐसे अजीब महाभारत है ये भारतीय राजनीति। ऑपोजिशन एलाय बन गया, एलाय ऑपोजिशन, पीएम पार्टी का, लेकिन पार्टी पीएम की तो नहीं लग रही थी। कुछ समझ आ रहा है? क्योंकि 20 साल बाद मुझे तो नहीं आया। राम, क्या हेडलाइन दिया है यार, क्या हेडलाइन दिया है। बारू प्रॉब्लम है। एन राम, हिंदू अखबार के लेफ्टिस्ट पब्लिशर और एडिटर, लेफ्ट लीडर्स के खास दोस्त। एन राम की ग्रीन लाइट मतलब लेफ्ट की ग्रीन लाइट। लेफ्ट इस दिल को सपोर्ट नहीं करेगा। दिस इज अ पॉलिटिकल डिसीजन। मैं पीएम सर को क्या बोलूंगा? डील को होल्ड कर दे, वरना लेफ्ट अपना सपोर्ट वापस ले लेगा। सपोर्ट वापस लेना चाहते हैं तो ले ले। सर आप ऑफिशियली ये कह रहे हैं? Yes. ये वही लोग हैं जिन्होंने पंडित जी और इंदिरा जी की इंडिपेंडेंट पॉलिसी का विरोध किया था। इन्होंने नरसिम्हा राव जी का भी और मेरा भी विरोध किया था, जबकि हम देश की इकोनॉमी को इम्प्रूव कर रहे थे। प्रकाश कारत कहते हैं कि सरकार देश की न्यूक्लियर आजादी का सौदा कर रही है। मैं देश को बेचूंगा? ये मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? सर आपका अगला कदम क्या होगा अगर वो विड्रॉ करते हैं? हम उन लोगों का जमकर सामना करेंगे, क्योंकि मेरे लिए देश पहले आता है। डॉक्टर साहब ने हार नहीं मानी, पर हार तो लेफ्ट भी नहीं मानने वाला। लोग सड़क पे उतर आए और लेफ्ट पार्लियामेंट से बाहर। मैडम, लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ प्रधानमंत्री ने एक स्ट्रॉन्ग बयान दिया है। क्या आप समय से पहले इलेक्शन चाहती हैं? हमें आपसी टकराव नहीं करना है। ये गठबंधन का धर्म नहीं है। अगर क्या आपको लगता है कि लेफ्ट अनरीजनेबल है? मुझे ऐसा नहीं लगता। लेफ्ट की कुछ विचारधारा और मुद्दे हैं, वो सब अपना पक्ष रख रहे हैं। और आप इस बात से खुश हैं? बिल्कुल। वेलकम डॉक्टर साहब, आपने जो बयान दिया वो थोड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर था। क्या आपको लगता है कि आपने लाइन क्रॉस की? चल रहा? जी बिल्कुल साहब। वेल, मैं लेफ्ट को जवाब दे रहा था। मुझे नहीं लगता मैंने कोई लाइन क्रॉस की। हम वन इश्यू गवर्नमेंट नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ जीना पड़ता है। ये डील नहीं हुई तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। Thank you.
देश में एक ही सवाल की लहर थी, डील या नो डील। हेलो जी सर, अभी आए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी संजया। क्या किया मैंने? तुमने यूएस एम्बेसडर से क्या बोला? किस बारे में सर? न्यूक्लियर डील के बारे में क्या बोला तुमने? डेड नाउ थिंग्स एट द एम्बेसी, द एम्बेसडर वांट्स टू नो व्हाट द पीएम मेंट, व्हाट्स दैट टू ऐड, व्हाटएवर ही सेड इज आउट देयर। What do I think the PM meant? Probably this, Dad. Que sara sara. ये के सरा सरा का क्या मतलब है? सर, मैं किसी कोड लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा था। आपके जासूसों ने गलत खबर दी है। ये हिचकॉक की फिल्म का गाना है। Man who knew too much. डोरेस डे ने गाया था। अगर ये का क्या मतलब है? के सरा सरा का मतलब है जो होगा सो होगा। सर, न्यूक्लियर डील पे मैं सबको ये जवाब देता हूँ। करना चाहता मैडम, मेरी पोजीशन बहुत ऑकवर्ड हो गई है। But must you give me this? Must you resign? मैडम, लेफ्ट हमारे गवर्नमेंट के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स देखना चाहता है। वो हमें IAEA में एम्बेरेस करना चाहता है। अगर हम लेफ्ट के साथ समझौता करते हैं तो फिर मेरे पास रिजाइन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन आप जानते हैं आपके इस्तीफे से हंगामा हो जाएगा। मैडम, या तो हम लेफ्ट को इग्नोर करके डील आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर लेफ्ट के साथ समझौता करके डील को यहीं रोक सकते हैं। अगर यूपीए सेकंड ऑप्शन लेती है तो फिर आपको कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर ढूंढना पड़ेगा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। एक बार सोच लीजिए। अब इसमें सोचने की क्या बात है भाई? ये न्यूक्लियर डील की लड़ाई हमारे लिए तो पानीपत की लड़ाई से भी बड़ी थी, और सबसे बड़ा वार कल रात को ही हुआ था 10 जनपद में। वैसे पुलक के आने से पहले मैं अपनी कॉफी खत्म कर लेता हूं। पीएमओ में आखिरी अवसर है। मैं कम इन सर, प्लीज कम इन। हाउ आर यू सर? आपको सोनिया जी ने भेजा है? जी सर। सर प्लीज आपका रेजिग्नेशन वापस लीजिए सर, प्लीज। मैंने अपनी बात सोनिया जी के सामने रख दी है, अब इसमें सोचने की कोई गुंजाइश नहीं। थैंक यू सर। सोनिया जी आपको इस्तीफा नहीं देने देगी। आप अपनी बात पे पड़े रहें, लेफ्ट के साथ जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। ये सारा सारा। हमने आज राष्ट्रपति को पत्र देकर यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। हमने एक और पत्र दिया है जिसमें हमने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वो प्रधानमंत्री को निर्देश दें
कि वो संसद में विश्वास प्रस्ताव लाकर अपनी सरकार का बहुमत साबित करे। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूं? सर, अमर सिंह आपसे बात करना चाहते हैं। वो यूएस में है। सर, मुझे लगता है कि अब हमारी डील पास हो जाएगी। आपसे ज्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी कोई नहीं जानता। हम चाहते हैं आप हमें गाइड करें। हम देश के लिए सही फैसला करना चाहते हैं। ये क्या सही डील है? बिल्कुल सही है। तुम्हारा फर्ज इस डील का समर्थन करना देश के लिए एक फायदेमंद है। आपसे हम यही सुनना चाहते थे। अब हम अपने लोगों को समझा सकते हैं। राजनीति है भाई। शुरू के दिनों की बात है। कैसा लग रहा है फिल्मों में आपको? चैलेंजिंग है पर मजा आ रहा है। तो चंद्रशेखर जी के साथ क्या हो गया? बड़े नाराज हो गए थे। उन्होंने पीएम सर से मीटिंग के बाद तेलुगु मीडिया में कहा कि तेलंगाना पे डिस्कशन हुई, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने पीएम से तेलंगाना पे एक शब्द नहीं कहा। कहने सुनने में कंफ्यूजन हो जाता है, और आप भी छोटी छोटी बातों पे क्लैरिफिकेशन देते हैं तो उससे कंफ्यूजन बढ़ता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं अपना काम जानता हूं, वही कर रहा हूं। हाँ, थोड़ा बहुत लोग नाराज होंगे, लेकिन क्या करें। मुझसे माफी मांगिए जी, क्या एहसान हुआ आपको चाप से रिजाइन करना पड़ा? मेरी नौकरी की चिंता क्यों करते हैं पटेल साहब? पीएम के लिए काम करता हूँ, पार्टी के लिए नहीं। लेकिन पीएम तो पार्टी के लिए काम करते हैं बारू। जिस दिन वो बोलेंगे मैं रिजाइन कर दूंगा। अब डॉक्टर साहब का कुछ बोलते हैं। न्यूक्लियर डील के वक्त रोज एक नया पीएम कैंडिडेट अनाउंस हो रहा था। अब लड़ाई पीएम वर्सेस पार्टी बन गई थी। हम तो तैयार हैं। चिड़िया नाज बाज लड़ावा, तभी गोविंद सिंह नाम लड़ावा। संजय, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता हूं। मीडिया रोज एक नया पीएम अनाउंस करती है, ये खबरें बहुत डिप्रेसिव है, और पार्टी से कोई डिनायल भी नहीं आता। सर, मैं आपसे कल सुबह ही इसके बारे में बात करने वाला था, क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है। तुम ये न्यूज नहीं रोक सकते।
आप रोक सकते हैं सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत डिफेंसिव लगता है सर। मैं पॉलिटिकल सॉल्यूशन सोच रहा हूं सर। ये सारी खबरें प्लांट हो रही है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग भूल गए कि आप कांग्रेस के पीएम नहीं हैं, आप पूरे यूपीए और उनके 11 एलाइज के पीएम, और वो एलाइज आपको बहुत मानते हैं। आपको कुछ बोलने की या मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। सर क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं? सर इसको अब क्या रहा है? बताइए सर। अरे सब अफवाह। मनमोहन सिंह जी रुपये कितने? सर राहुल गांधी यूथ डेलीगेशन के साथ आपसे मिलने आ रहे हैं। उन्होंने अपॉइंटमेंट ली जी? नहीं। क्या फर्क पड़ता है? हैप्पी बर्थडे सर, जन्मदिन के लिए बहुत बहुत मुबारक। ये रिलीज कर दीजिए मुझे। राहुल जी ने पीएम से रिक्वेस्ट किया कि मनरेगा के काम बढ़ाया जाए। पीएम खुश हैं इस बात से। पीएम खुश है इसका मतलब क्या है? पार्टी का सजेशन पीएम को पसंद है। आपको प्रॉब्लम है इससे? भी प्रॉब्लम ये है कि यही बार सर ने 15 अगस्त सारे देश से कही थी और रिपोर्टर्स साहब सुनते हैं, साहब लिखते हैं, सारा याद भी रखते हैं। आप तो बहुत समझदार हैं, आप तो जानते ही होंगे। और कुछ काम होगा तो साहब जरूर बताइएगा। लेकिन ये आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मनरेगा देश को मेरा बर्थडे प्रेजेंट है। ये एसएमएस आपने भेजा, वो भी पत्रकारों को, एक्सप्रेस को। सर क्या मैंने कुछ गलत कहा? सर वो क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? आप देश के पीएम हैं, रघुवंश प्रसाद जैसे मंत्रियों के काम का क्या? मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब। पर आपकी नहीं, मेरी इमेज सही रखने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत जरूरत है सर, दुनिया आपको देख रही है। अगर आपका क्रेडिट चोरी हो सकता है तो देश में सुरक्षित क्या है? संजय प्लीज डोंट बी ओवर ड्रामेटिक। उनको सारे क्रेडिट लेने दीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम कीजिए। आप फिर स्पीचेस लिखिए, ये पब्लिक पोजीशनिंग, ये पब्लिक इमेज, इस सब के बारे में वक्त बर्बाद मत कीजिए। थैंक यू। एक बात और, प्लीज आइए। अखबार पढ़ते हैं? सॉरी सर, पीएम को पीएम बुकिंग पाला जा रहा है। 3 महीने पुरानी बात है सर। मैं सोचता हूँ आप एक बार मैडम से मिल लें।
मैडम से क्यों? आप उनसे कहो कि अखबारों में आपके खिलाफ गलत आर्टिकल्स प्लांट किए जा रहे हैं। मैं खुद आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करूंगा। सोच के बताता हूं सर। ठीक है। दो मिनट, एमपीज का कॉल आ रहा था, आपकी कंप्लेंट हो रही थी। आपने कुछ कोड दिया था क्या पेपर में? आपको एमपीज कॉल करते हैं क्या? यस, दिस इज द पीएमओ, कोई भी कॉल कर सकता है। आप एक बार मैडम से मिलो, आई फिक्स एन अपॉइंटमेंट, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। पॉलिटिक्स में ना थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ब्लेसिंग्स लेनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, सारा जर्नलिस्ट हूँ। वहाँ चमचागिरी के नहीं जिद के मार्क्स मिलते हैं। वैसे नायर, आप नीचे जा रहे थे, मैं ऊपर जा रहा हूँ। एक बार फिर से सोच लो संजय। सर, अब मैं और ये पॉलिटिकल गेम्स खेल नहीं सकता। मैं रिजाइन नहीं करना चाहता। आर यू श्योर? आई एम सर। जिस काम के लिए आपने मुझे रखा है, पार्टी वो मुझे करने नहीं देगी। और माफ कीजिएगा, लेकिन आपको भी अपनी इमेज में कुछ खास इंटरेस्ट तो है नहीं? मैं अपने काम से जाना चाहूंगा संजय। ऑफिशियल रीजन क्या लिखा है अपने रेजिग्नेशन लेटर में? सर, तन्वी का एडमिशन हो गया है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में। तो मैं सोच रहा था कि आई टेक अ जॉब दिस मंथ। बताओ संजय, अकॉर्डिंग टू मी इट इज ए फुलिश डिसीजन। आप इसे तो सीखा है सर, Sometimes it is wise to be foolish. मेरी स्पीचेस तो लिखोगे ना सिंगापुर से? आपके लिए मैं कुछ भी करूंगा। वन मोर थिंग, जाने से पहले एक चक्की तो दिल्ली जा करके। कैसे हो संजय? रमा कैसी है? वो सब ठीक है सर, आपकी तबीयत कैसी है? मुझे हार्ट अटैक नहीं आया, इट वॉज जस्ट ए प्रिवेंटिव सर्जरी। मेरी तीनों आर्टरीज ठीक है, आई एम फाइटिंग फिट। सर, 3 महीने में इलेक्शन है, आपकी जीत गारंटीड है, और इस बार आप लोकसभा से लड़ेंगे। पार्टी की क्या राय है? सर, सच सबको पता है, ये इलेक्शन राहुल गांधी के पास का नहीं है। पार्टी बहुत सेफ खेल रही है, हारेंगे तो आप हारेंगे, जीतेंगे तो वो। सिंगापुर कैसा है? बात मत ताली सबको।
पूरा देश आपका फैन है। इस बार भी आप राज्यसभा से आएंगे ना, आपकी अथॉरिटी कम हो जाएगी। जो पार्टी चाहेगी वही होगा। अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए। चुनाव अभियान राहुल लेकर आया। मैं इस इलेक्शन को बाहर से बैठ के नहीं देख सकता। सर, पार्टी को लगता है कि आपका इस चुनाव को लड़ना रिस्की। चुनाव के बाद हम आपको अटल जी की तरह निराश नहीं देखना चाहते। पार्टी को लगता है मैं ये इलेक्शन हारने वाला हूं, उनको मुझ पर विश्वास है। ये सब बातें मत सोचो, उसे सोचो। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, तुम देखना। पिछले 5 वर्षों में देश ने जितनी उन्नति की है, जितना रोजगार बढ़ा है, उस कार्यक्रम को अब हम लोगों को आगे बढ़ाना है। क्या हमको केंद्र में अवसर मिले या प्रदेशों में अवसर मिले, हमारी पार्टी देश के सामने इस बात के नमूने प्रस्तुत करेगी कि सुशासन क्या होता है। मनरेगा का असर सारे देश पर दिखाई दे रहा है। हमारी आर्थिक नीतियों की वजह से विश्व आर्थिक संकट से हम प्रभावित नहीं हुए हैं। न्यूक्लियर डील से भारत फ्यूचर रेडी हो गया है। विकास और परिवर्तन का हमारा सपना सच हो गया है। ये जीत है मनमोहन सिंह जी की। सिंह इज किंग का नारा पूरे देश में गूंज रहा है। कांग्रेस पार्टी को तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो जीतेंगे। फिर 206 सीट की बात तो कुछ और ही है। बड़ा मौका है आपके लिए। क्या कहेंगे पार्टी की जीत पर आप? देखिए, सुनिए, राहुल गांधी ने यूपी में 22 सीटें जीती, कांग्रेस पार्टी को रिवाइव किया। ये राहुल गांधी की जीत। Get me Baru on the line, please. उसके वापस आने का वक्त आ गया है। I would like to promote you, Sanjay. पीएमओ में सेक्रेटरी बनोगे? सर, पोजीशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर मुझे फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। और तुम सिर्फ मुझको रिपोर्ट करना चाहते? सर, अपना सेकंड टर्म पाकिस्तान से ना ही शुरू करें, पार्टी बहुत इंटरफेयर करेगी। मुशर्रफ के टाइम में वही हुआ था। आई थिंक आपको ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। भारत इकोनॉमिक क्राइसिस से इतना इफेक्टेड नहीं है संजय। मैं कश्मीर का हल ढूंढना चाहता हूं, और शायद मेरे पास इतना वक्त नहीं है। ज्यादा वक्त नहीं सर? मतलब बेचारे डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? पूरी दिल्ली के दरबार में एक ही तो खबर थी,
डॉक्टर साहब को कुर्सी से कब हटाएंगे और कब पार्टी राहुल जी का अभिषेक करेगी। मिलानी साहब, लम्हों ने खता की, उम्रों ने सजा पाई है। इंडिया के लोग 26/11 को भूलेंगे नहीं। जिस दिन जरदारी ने कहा था कि आईएसआई के चीफ इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे, लेकिन वो तो आए ही नहीं। डॉक्टर साहब, टेररिज्म और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन पे एक स्टेटमेंट दे, लेकिन अपनी फौज को खुश रखने के लिए एक छोटी सी दरखास्त हमारी है। बोलिए। बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में तो कुछ है ही नहीं। आप कहते हैं तो हम कर देंगे। ऑपोजिशन थोड़ा शोर मचाएगी, लेकिन पार्टी को एक्सेप्टेबल होगा। ये पार्टी को एक्सेप्टेबल नहीं है। मैडम चेयरपर्सन, बलूचिस्तान तो कोई इश्यू है ही नहीं। आपने इससे जरूरी इश्यू बना दिया, और वो भी इंटरनेशनली। सब सीनियर मिनिस्टर्स भी कहते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती थी। और हम एग्रीमेंट के शब्द चेंज कर सकते हैं मैडम। आप मेरी बात शायद ठीक से समझे नहीं। अगर आप क्या हाल चाल? हाँ हाँ, पीएम ने मुझे बुलाया था, बात भी हुई थी। मगर ये आपको किसने कहा कि मैं पीएमओ में यूपीए के प्रोग्राम देखूंगा? चौहान ने कहा है तो पीएम से पूछ के कहा होगा, लेकिन मैं कंफर्म या डिनाई नहीं कर सकता। आप देख लो। लकड़ी की तलवार से जंग नहीं जीती जाती बारू। साइकिल का हैंडल संभालने की औकात नहीं है तुम्हारी, मीडिया का हैंडल करो। आज का बिजनेस स्टैंडर्ड देखा है? ज्ञान मत दीजिए, आपको बातों के लिए नहीं काम करने के लिए रखा गया है। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। रखिए आप। सर, आपने मुझे खुद बुलाया था। मीडिया में बात लीक होने से सब गड़बड़ हो गई। खबर लीक यहीं से हुई थी। अब बहस करने से कोई फायदा नहीं। सर, यही मौका है आपको अपनी अथॉरिटी दिखाने का। ये जीत आपकी जीत है, ये पीएमओ आपका टर्फ है, आप कैसे? संजय, पॉलिटिक्स में मुझे एक बात समझ में आ गई, तुम भी अच्छी तरह से समझ लो। पावर का एक ही सेंटर होता है, और वो सेंटर होता है पार्टी प्रेसिडेंट। तो मैं क्या करूं? प्लानिंग कमीशन ज्वाइन कर। जब मामला ठंडा पड़ जाएगा मैं बुला लूंगा। सर, मुझे सरकारी नौकरी का कोई शौक नहीं। मैं आपके लिए काम करना चाहता था। मुझे बिजनेस स्टैंडर्ड से भी एडिटर का ऑफर है। वो तो प्लानिंग कमीशन से भी अच्छा है, तुम्हें जर्नलिज्म ही सूट करता है। हायर, कम इन।
फिर एक धमाका हुआ जिससे पूरा देश हिल गया। टेप कांड, नेता, पत्रकार और दलालों की सीक्रेट बातचीत लीक हो गई। कैसे अपॉइंट होते हैं मंत्री, पत्रकार आखिरकार किसकी सेवा करते हैं, बच्चा बच्चा अपने मोबाइल पे सुन रहा था, सबकी पोल खुल रही थी। नीरा राडिया टेप्स के बाद 2G, 3G, कोलगेट जैसे स्कैम्स के खिलाफ देश अन्ना आंदोलन के साथ खड़ा हो गया है और ये अन्ना आंदोलन देश की आवाज बन गया है। The UPA government is now dismissive about the Anna panel's Gopal bill, but the team Anna is warning the government that it will have to confront the बताइए मैडम। मैं इस तरीके से कंटिन्यू नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, इतना भारी इन्फ्लेशन, एक के बाद दूसरा करप्शन स्कैंडल, मीडिया एकदम हमारे खिलाफ, ये इस माहौल में राहुल कैसे टेक ओवर कर सकता है? लेकिन मैडम, आपको कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। अभी चेंज का टाइम नहीं आया है। लेकिन मुझे दूसरों की गलती का जिम्मा लेना पड़ रहा है। मैं देश के लोगों को ये सब कैसे एक्सप्लेन करूंगा? एक्सप्लेन करना आपका काम नहीं है। पार्टी के पास देश को सही तरीके एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोग हैं। लेकिन मैडम, मुझे ऐसा लग, आर यू श्योर यू डोंट वांट अ कप ऑफ टी? देखिए, दो तरह के लॉस होते हैं, एक्चुअल और नोशनल। एक्चुअल लॉस जो होता है उसमें एक्चुअल में लॉस होता है, और नोशनल लॉस नोशनल होता है। 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन में CAG का जो एस्टिमेट है वो नोशनल लॉस का है, समझे आप लोग? सर, मतलब आप कहना चाहते हैं कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल गलत है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोई लॉस नहीं हुआ है। कमाल है जी, आपने तो पूरा मैथमेटिक्स ही चेंज कर दिया। 1,76,000 crore को आपने जीरो बना दिया। कोल स्कैम में आपका मैथमेटिक्स क्या बताता है? अरे, कोल स्कैम में कैसा लॉस? जब खुदाई नहीं हुई है, कोयला नहीं निकला है, तो लॉस कहां से, समझे? सर, इस बार तो आपने 1,86,000 crore को जीरो बना दिया। साल भर में बात और बिगड़ गई। डॉक्टर साहब का खुले आम मजाक उड़ने लगा। इंटरनेट पे चुटकुले बनने लगे। 2G, CWG और राहुल जी तीनों डॉक्टर साहब पे भारी थे और वो खुद बिल्कुल चुप बैठे थे। उन्हीं दिनों मेरे साथ अजीब चीजें होने लगी। एक्सक्यूज मी मिस्टर बारू, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर एडवाइजर। सर, ये सब क्या हो रहा है? मनमोहन से कुछ करते क्यों नहीं है, कुछ बोलते क्यों नहीं? Excuse me, Mr. Baru. Yes. मेरी बेटी भी एक जर्नलिस्ट है, बिग फैन। वैसे एक बात बताइए, आपने PMO को छोड़ दिया? नहीं नहीं, बता दीजिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी। मुझे तो डॉक्टर साहब भीष्म जैसे लगते हैं, जिन
पुलिस थी, इंडिया में तो एक ही है। बड़े टाइम से काफी चर्चा हुई है इस ऑर्डिनेंस को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के साथ क्या करना चाहिए। बाकी सबका तो पता नहीं, मैं यहां सिर्फ ये कहने आया हूं कि मुझे क्या लगता है कि क्या करना चाहिए इस ऑर्डिनेंस के साथ। ये करना चाहिए, हार के फेंक देना चाहिए, बकवास है ये ऑर्डर। दागियों को बचाने वाले अध्यादेश पर यूपीए सरकार बुरे तरीके से खिंच गई है। पहले अध्यादेश का विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही थी, अब राहुल गांधी भी इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। राहुल ने पहले कड़ा बयान दिया, फिर अध्यादेश को बकवास बताकर प्रधानमंत्री को खत लिखकर इस पर फिर से विचार करने को कहा। राहुल के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी मामले पर सोनिया गांधी से बात। हम यहाँ एक्स मीडिया एडवाइजर ऑफ पीएम मिस्टर संजय बाजू से बात कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे आप राहुल की इस हरकत पर? देखिए, अगर उनकी खुद की पार्टी के लोग उनका सम्मान तक नहीं कर सकते, मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर साहब को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। पापा, मिस्टर बारू सही कह रहे हैं। अब क्या पॉइंट है, और कितना बदनाम करेगी पार्टी? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सर, आपसे एक बात बोलनी थी। अपने पीएमओ में जो मैंने देखा है, सुना है, समझा है, उसे लिखने का समय आ गया है। मेरे बारे में भी लिखोगे? सर, सच लिखना इतिहास के लिए बहुत जरूरी है। आप एक जीनियस हो, मुझे बहुत दुख होता है जब लोग आप पे हंसते हैं। मैंने जो होते देखा वही लिखूंगा। मेरे बारे में? सर, पूरी ईमानदारी से लिखूंगा, कड़वा सच भी। मोगे, शायद वही। सर, मुझे सच के सारे पहलू पता नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि सच के कितने पहलू। बस अपना और आपका, हम दोनों का सच लिखूं। इस मीटिंग के बारे में भी लिखोगे? I miss you, Sanjay. तुमसे एक काम है जो तुम ही कर सकते हो। नहीं सर। 3 जनवरी को मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्या बोलूं देश से? आपके स्पीच राइटर सर? अगर वो कर सकते तो तुमसे क्यों कहता? एक आखिरी बार मेरी आवाज बन जाओ। पीएम सर, आपको बहुत अग्रेसिव रहना पड़ेगा। चुनाव आ रहे हैं, प्रेस आपको कॉर्नर करना चाहेगा, सब अटैक्स राहुल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वो मैं नहीं कर सकता। मैं हूं ना सर, मैं स्पीच लिखता हूँ, आप सब समझ जाएंगे। पार्टी डॉक्टर साहब को लायबिलिटी बनाना चाहती है, वो मैं कभी होने नहीं दूंगा। मुझे तीसरा टर्म नहीं चाहिए।
कुछ महीनों में आम चुनाव के बाद मैं ये कुर्सी नए प्राइम मिनिस्टर को सौंप दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वो यूपीए के चुने हुए पीएम हों और हमारी पार्टी उस दिशा में काम करेगी। मुझे विश्वास है कि हमारी नई पीढ़ी के लीडर इस महान देश को आगे ले जाएंगे। सर, इज दिस अ गुड बाय? सर, आपने किसी करप्शन स्कैंडल पर कोई जवाब नहीं दिया, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी टर्म पे आपको क्या कहना है? क्या राहुल गांधी अगले पीएम कैंडिडेट होंगे? क्या आपको पार्टी ने बलि का बकरा बनाया है? मुझे उम्मीद है कि इतिहास मुझे मीडिया के नजरिए से नहीं देखेगा। Election, or you have already lost it before it began, because most of the surveys are saying Congress will be reduced to its lowest ever 10. क्या किताब लिख दी तुमने? आपने पढ़ी? अभी कहाँ? डॉक्टर साहब तो सुबह से एक-एक लाइन पढ़ रहे हैं। उन्होंने आपसे कुछ कहा? वो खुश है? लग तो रहा है। तुम आके मिलो। मैं फ्लाइट ले रहा हूँ, लैंड होते ही फोन करूंगा। डॉक्टर साहब ने भीष्म जैसी गलती की, परिवार के आगे झुक गए। राहुल को आगे करने के लिए डॉक्टर साहब ने खुद को पीछे कर दिया। उनके लिए परिवार पार्टी से बड़ा था, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। क्या डॉक्टर साहब को पता है कि मैं उनसे बात करना चाहता, संजय बारू उनसे बात करना चाहते हैं? बॉस, आर यू श्योर? क्योंकि ये जवाब देगा, मतलब हेलो।
हेलो बैड न्यूज, बुक्स की सेल्स डाउन है। अरे मुझे लगा कि इलेक्शंस के दौरान रिलीज करेंगे तो सेल्स काफी अच्छी होगी, बट आई थिंक माई प्लान डजंट सीम टू बी वर्किंग। हेलो, क्या हुआ, कहाँ गुम हो? यार 3 दिन हो गए, डॉक्टर साहब का अब तक फोन नहीं आया। संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर व्यक्तिगत लाभ के लिए लिखी गई है। हम इसके सारे फैक्ट्स तथ्यों को पूरी तरह से डिनाई करते हैं। इससे एक जिम्मेदारी वाले पद की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। संजय बारू ने किताब लिखकर पीएमओ के साथ विश्वासघात किया है। पीएमओ ने आपका काम कर दिया है, किताबों की बिक्री जोर शोर से चल रही है, तो जल्दी जल्दी अपनी अगली किताब लिखना शुरू कर दो। बदनाम होंगे तो क्या, नाम ना होगा पटेल साहब। सोचता हूं कि उनको मेरा सच कितना सच्चा लगा होगा। शायद मुझे जवाब मिले, शायद नहीं, मगर डॉक्टर साहब ने मैंने जो खो दिया वो कभी नहीं मिलेगा।